हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू चैनल गाइस। तो अभी तो फिलहाल ये सीन है कि पीछे के वॉइस को ज़रा जो नॉइज़ भी आने वाली है हॉर्न वगैरह की उनको इग्नोर करना। और अभी हम लोग हाफ डे ले लेके अपने ऑफिस से आ गए हैं यहाँ पे जावा के शोरूम, क्योंकि आज हमारे ग्रुप की जो सबसे छोटी और मोटी बिल्कुल न्यू राइडर उसको हमने सिखाई है बेसिकली। इसने, मैंने और मेघा ने, जिसका एक आपने देखा होगा FC का रिव्यू, फिलहाल उसके पास हिमालयन है BS6 उसका भी रिव्यू जल्दी आ जाएगा। तो फिलहाल चलते हैं जावा के शोरूम के अंदर और देखते हैं उसने कौन सी बाइक ली है। हाँ, इतना हिंट जरूर दे देता हूँ कि उसने सिंगल सीटर बाइक ली है क्योंकि उसको किसी को पीछे नहीं बैठाना है। बाकी अंदर चलते हैं, देखते हैं। पहली बाइक की डिलीवरी लेना हमेशा बहुत ज़्यादा इमोशनल और एक अलग सा एक्सपीरियंस होता है जो कि हमेशा हम लोग याद रखने की कोशिश करेंगे। तो मानसी, सबसे बेहुदा सवाल जो आज तक हर कोई पूछता है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा, बता नहीं सकती मुझे कितना अच्छा लग रहा है। तो ये यही है वो हमारे ग्रुप की नई नवेली राइडर। साल भर हुआ, साल में मैंने अपनी बाइक खरीद ली, मुझे इतनी खुशी हो रही है। और ये रही इसकी जावा पर आए। बाकी सेकंड सीट लगवाने का वही रहता है, अभी सोचा तो है कि लगवाऊंगी, लेकिन आपका सब टाइम पहले सिंगल सीटर में कुछ मजा लिए ले लिया जाए, किसी को नहीं बैठाना। ओह, अकेले घूमना किसी पापा से लिए ना, लॉन्ग राइड्स के लिए बेसिकली इजी हो जाए। तो चलो इसके केक कटिंग सेरेमनी करते हैं। कोशिश कर कृष्णा, कृष्णा कोशिश कर, ये नहीं होगा, कभी कभी हो जाता है, नहीं होता, ये मुंह पे ही मारेगी, छोड़ दे यार, कोई बात नहीं, ये खराब हो गया, मेरे को बात नहीं किया ना। मैं भी बोलने वाला था हैप्पी बर्थडे, ये तो भाई का बर्थडे है, बर्थडे है मम्मी का, बर्थडे जानवर। क्या पूरा ही बोल दूंगा, ये हो गया, वो एक पॉपर खराब हो गया। इसका कुछ नहीं हो रहा है, किसी को चाहिए? इधर भी कैमरा, इधर भी देख लो कोई। और ये हमारा छोटा मोटा राइडर पहली पहली राइड पे अपनी बराक। अंकल जाएंगे राइड पे। मानसी, जिंदगी की पहली अपनी बाइक, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। मैंने नहीं पूछा कैसा लग रहा है, मैंने बिल्कुल नहीं पूछा कैसा लग रहा है। अब अंकल भी जाएंगे, उसके बाद मेघा भी जाएगी, उसके बाद सन्नी भी जाएगा। मेगा, कैसा लगा अपनी बहन की बाइक चलाते हुए? आज तक वो तेरी बाइक चलाती थी, बड़ा दिल को उसकी बाइक चलाने में। बड़ी क्लच क्लच के दे देती थी। ये सवाल सबसे ज्यादा मुझसे पूछना चाहिए कि मेरी बाइक ही चलाई है उन्होंने सबसे ज्यादा। अपनी बाइक बड़ी क्लच करके बड़ी बहन को देती, मेरी जान सूखती थी जब मैंने उसे बाइक दी है। फाइनली अब हम सारे अपनी अपनी बाइकों पे अकेले अकेले जा सकते हैं। तो मेरा अब तुझे इसका बोझ भी झेलना पड़ेगा। तो बाइकर्स के घर में बाइक ही होती है। और ये है मेगा की हिमालयन,
इसका रिव्यू बहुत जल्दी आ जाएगा, थोड़ा लॉकडाउन वगैरह का सीन हटने दो, उसके बाद इसका रिव्यू भी लेना है मैंने। बाकी अभी सन्नी आता है तो शायद मैं भी एक छोटी सी राइड मारूंगा। एक्सपीरियंस कैसा था? थोड़ा सा डरावना। क्यों? क्योंकि मेरे को ऐसे बैठने की बिल्कुल भी आदत नहीं है। हमको हल्का सा ही होना चाहिए, थोड़ा सा लीन, थोड़ा सा लीन चाहिए। ओके। और हॉरिजॉन्टल चाहिए थी मेरे को। जा तो सही, अब जा ही नहीं रही इतनी देर हो गई। तो यहीं तक था ये वीडियो, अभी हम लोग यहाँ से निकलते हैं। इसका स्केटबोर्ड आया है, इसका भी कभी ना कभी वीडियो आएगा कहीं ना कहीं। दिखाएंगे ये चीज क्या है और क्यों है और इससे मैं कितनी बार गिरता हूँ। तो चलो, ये बाइक की डिलीवरी अगर आपको सही लगी हो, अच्छी लगी हो तो कर देना वो तीन चीजें तो हर कोई बोलता रहता है यूट्यूबर, लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।